नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। लेकिन इससे पहले हम एक नई टर्म सीखते हैं जिसे कहा जाता है विविक्त कर। विविक्त कर इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसे डी के साथ डिनोट किया जाता है। यदि हमारे पास एक स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, तो विविक्तकर किसके बराबर होगा? डी बराबर होगा b² माइनस 4ac के बराबर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, डी बराबर होगा b² माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है इसलिए x की दो वैल्यूज आएंगी। वो जो x की दो वैल्यूज होंगी, जिसे कि समीकरण के मूल कहा जाता है, उन मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वो जो x की दो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी? क्या वो वास्तविक होंगी या नहीं होंगी, उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा कि विविक्त कर d होता है b² माइनस 4ac के बराबर। यदि किसी भी समीकरण में b² माइनस 4ac आप निकाल लीजिए पहले। यदि b² माइनस 4ac शून्य से बड़ा हुआ, ये बड़े का निशान है ना, तो b² माइनस 4ac शून्य से बड़ा हुआ तो हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यानी कि वास्तविक नंबर कौन से होते हैं? जिसमें परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सब आ जाती हैं। यानी यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो हमें दो भिन्न, मतलब दोनों मूल एक दूसरे से अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल होंगे और एक दूसरे से भिन्न होंगे। दूसरी कंडीशन है, देखो यही चीजें हो सकती है ना, b² माइनस 4ac या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। तो हम तीनों की कंडीशन बता रहे हैं कि यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो हमें प्राप्त होंगे दो भिन्न वास्तविक मूल। यदि b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, तो वास्तविक मूल तो है ही, भिन्न की जगह अब वो बराबर मूल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यही फर्क है ग्रेटर देन में और बराबर में, बड़े वाले में और बराबर में। शून्य से बड़ा होगा b² माइनस 4ac तो वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। शून्य के बराबर होगा तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। लेकिन यदि b² माइनस 4ac शून्य से छोटा हुआ, यदि b² माइनस 4ac शून्य से छोटा हुआ तो हमें प्राप्त होगा कोई वास्तविक मूल नहीं। तो इसका अर्थ ये होगा कि इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो किस कंडीशन में हमें मूल वास्तविक मूल प्राप्त होंगे? जब b² माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यदि 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल अलग अलग होंगे, x की दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो x की दोनों वैल्यूज भी बराबर होंगी। ऐसा क्यों है? अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, हमने पढ़ा है कि द्विघात सूत्र के अनुसार x की वैल्यूज हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना बच्चों? तो देखिए, विविक्तकर कहाँ है? ये है विविक्तकर, रूट के अंदर जो है, ये रूट के अंदर जो है, ये है विविक्तकर b² माइनस 4ac। यदि यह 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब रूट के अंदर एक परिमेय संख्या आएगी, 0 से बड़ी होगी, परिमेय संख्या होगी कोई भी रूट के अंदर। ठीक है, तो यह एक वास्तविक संख्या हो जाएगी।
इसको जब इसके साथ हल करेंगे, चाहे प्लस का निशान लेकर और एक बार माइनस का निशान लेकर, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू वास्तविक आएगी। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, दोनों बारी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसलिए यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी शून्य से बड़ा है तो दो वैल्यूज आएंगी, वास्तविक आएंगी, दो भिन्न वास्तविक मूल, यही हमने कहा। यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो जाए, अब देखो यदि ये जीरो हो गया तो यानी रूट जीरो, रूट जीरो का मतलब जीरो, तो माइनस बी में चाहे जीरो को प्लस कर लो चाहे जीरो को माइनस कर लो, उत्तर यही रहेगा। इसलिए प्लस वाली वैल्यू लेकर भी आगे जीरो ही आना है, माइनस वाली वैल्यू लेकर भी आगे जीरो ही आना है। इसलिए प्लस या माइनस लेने से इस समीकरण में, इस एक्स के मूल में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए हमने कहा कि चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, उत्तर वही आएगा। इसका मतलब दोनों वास्तविक मूल होंगे क्योंकि रूट जीरो है, जीरो आ जाएगा, और बराबर होंगे क्योंकि चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, दोनों वैल्यूज बराबर ही आएंगे। और तीसरी कंडीशन, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है, तो यदि ये जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा यानी माइनस की संख्या, तो रूट के अंदर यदि माइनस की संख्या होगी तो वह वास्तविक मूल नहीं आएगा। इसीलिए हमने कहा यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो यही समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा कि कभी भी कोई समीकरण दी होगी, हमें कहा जाएगा इसके मूलों की प्रकृति निकालो, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है, उसी हिसाब से हम मूलों की ये प्रकृतियां लिख देंगे। आशा करता हूं इस वीडियो के जरिए समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कहीं से भी ना समझ आई हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देख सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ही हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।